राजनीतिक कार्यकर्ता पवन राजे निबालकर की हत्या केस में अन्ना हजारे गवाह की हैसियत से सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने टीम इंडिया को सेमीफाइनल मैच से पहले शुभकामनाएं दी हैं। मशहूर रैपर हनी सिंह के खिलाफ अलग अलग धाराओं के मामले दर्ज किए गए हैं। हनी सिंह पर उनके गाना मखना में महिलाओं को लेकर विवादित शब्द इस्तेमाल करने का आरोप है। आज मॉनसून की पहली बारिश के दस्तक से जहां किसानों के चेहरे पर रौनक आई है, वहीं इस मूसलाधार बारिश से नवाशहर के सभी रास्तों में पानी भरने से पूरा शहर जलथल हो गया। महाराष्ट्र के थाने में पड़ते टिटवाला इलाके में पानी के गड्ढे में डूबने से 12-12 वर्ष के दो बच्चों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हो गया। सुप्रीम कोर्ट रोहिंगा मुसलमानों को लेकर दायर वारा याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। संसद से पहले भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक हुई। सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस के लोकसभा सांसदों के साथ संसद में सुबह 10 बजे बैठक की। संसदीय दल की इस बैठक में सभी सांसद शामिल थे। आईसीसी विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मैनचेस्टर में दोनों टीमें ये मैच जीतकर फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेंगी।